नमस्कार, हम मौजूद हैं इस समय प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर पर, जहां धरना स्थल है। यहां पर लगातार घोरी हत्याकांड को लेकर धरना चल रहा है और अनिश्चितकाल धरना है। यहां पर महिलाएं भी उपस्थित हैं और काफ़ी लोग उपस्थित हैं, और आज उनका तीसरा दिन है और आज 5 तारीख है। धरने के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, एक महिला हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इनकी क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या हैं, क्या कहने चाहेंगी आप जैसे घोरी हत्याकांड को लेकर। दोस्तों, मैं लीला कुमारी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रही हूँ और दलित समाज के बारे में बोलना चाह रही हूँ कि ये हम लोगों के साथ जो हमेशा से अत्याचार होता रहा है वो अत्याचार नहीं होना चाहिए। और ये जो घोरी हत्याकांड हुआ है ये बहुत ही मार्मिक घटना है, और इस घटना को घटना नहीं समझकर बल्कि इसकी CBI जांच करवानी चाहिए। और मैं मंत्रियों से, खास करके आदित्य बाबा से और ये जो केशव मौर्य जी जो हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके घोरी हत्याकांड पर CBI जांच करवाया जाए। हम लोगों को आम आदमी की तरह हत्या कर दी जाती है, एक खिलौने की तरह। क्या दलित कोई इंसान नहीं होता? क्या वो डॉग के समान है? कुत्ते की तरह व्यवहार की जाती है, ये कुत्ते की तरह व्यवहार हम लोग कब तक सहेंगे? ये जुर्म को सहते सहते जुर्म की अति हो चुकी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतनी गहराइयों से संविधान को लिखा, संविधान का संशोधन किया और हमें अपना अधिकार छीनने पर मजबूर किया, तो हम अपना अधिकार छीन कर रहेंगे, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे इलाहाबाद की सड़कें हो, चाहे प्रयागराज की सड़क हो, चाहे संसद की सड़क हो। हम यहाँ नहीं, हम संसद तक जाएंगे और दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की अद्भुत कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम युवा खड़े नहीं होंगे तो आए दिन हमें खिलौने की तरह इसी तरह रौंद दिया जाएगा। खास करके आज जो घोरी हत्याकांड हुई है बहुत ही भयावह स्थिति है। दोस्तों, हम युवाओं से, खास करके दलित युवाओं से, दलित महिलाओं से नम्र निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो यति शीघ्र अत्याचारी को पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। यह बहुत ही भयावह स्थिति है, संविधानिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, हमेशा से ही दलितों के साथ ही अत्याचार होता रहा है। आज ये घोरी हत्याकांड हो गया, कल बथनाहा हत्याकांड हो गया और गुजरात हत्याकांड हो गया। क्यों दलितों को ही हथकंडा बनाया जाता है? क्यों सरकार इस पर नजर नहीं रखती है? क्यों आदित्य बाबा का आँख नहीं खुलता है कि हम दलितों के साथ हमेशा अत्याचार होता है? क्यों वो हमेशा अपर कास्ट को ही देखते हैं? क्या दलित इंसान नहीं होता? जितने जल्दी हो आदित्य बाबा तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए और ये घोरी हत्याकांड पर CBI जांच करवानी चाहिए। ये खिलौने की तरह नहीं कि एक कुत्ते की तरह रोटी फेंक दिए, हाँ आज कागज का टुकड़ा आ गया, कल जांच हो जाएगी। ये आवाज़ सांसद तक, सड़क से लेकर सांसद तक जाना चाहिए। जय भीम। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।